What's up, guys? Welcome back. I'm back with another beer review today. और वैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में अब जो नए बियर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे बियर ब्रांड्स के मैस्कट बंदर हैं, जैसे बीरा, मैड मंकी और दो चार और बियर्स हैं जिनमें आपको बंदर नज़र आते हैं। बट आज का जो बियर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बना है स्पेशली इंडियन मासेस के लिए, जो कि आप समझ गए होंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है बियर का, स्ट्रॉन्ग लागर बियर। और अधिकतम लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि लागर एक लाइट बियर है। लागर होता है स्टाइल ऑफ ब्रूइंग, ना कि लागर। और अगर आप अक्सर यूपी के बियर शॉप्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो शॉपकीपर बोलेगा लागर चाहिए है या स्ट्रॉन्ग। तो लागर यूजुअली पाइंट्स में लिखा होता है, जिसमें बॉटल पाइंट्स एंड कैंस में लिखा होता है, जिसमें कि अल्कोहल कंटेंट यू नो प्रीमियम बियर का हो, जो कि अबाउट 5 to 6% होता है, 5.6 अप्रॉक्स। बट एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग बियर्स भी होते हैं यूजुअली वो सारे यू नो लागर बियर्स ही होते हैं। तो ये जो वेरिएंट है बियर का ये है, सॉरी ये वेरिएंट नहीं, ये ब्रांड जो है बियर का ये है लंगूर। अब इन्होंने नाम मेरे ख्याल से बीरा को मार्केट कैप्चर करते हुए देखते हुए रखा होगा, क्योंकि लंगूर जब आता है तो सारे बंदर भाग जाते हैं, ये यू नो सबको मालूम ही है बात। एंड लेबल और बॉटल तो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया है, नाम मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। एंड नीचे लिखा है सुपर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर, और यह छोटा सा लिखा है टाइट हिंदी में, ताकि अपने देसी लोग इसको पढ़ के समझ जाएं कि पी के टाइट होने का इसमें काफ़ी चांस है। सो एनीवेज बोतल के पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स अगर देखे जाएं तो हैं वाटर, माल्टेड बाले, बाले, राइस, मेज, शुगर, हॉप्स, यीस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एडजंक्स काफ़ी सारे इस्तेमाल किए गए हैं इस बियर में। शुगर एडेड होने के कारण आपको, अब देखते हैं टेस्ट करके कि टेस्ट में क्या कोई कमी है या नहीं, बट एडेड शुगर बेसिकली कॉस्ट कटिंग का एक यू नो स्ट्रॉन्ग बियर में एक वो होता है, मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज इसका प्राइस 650 ml के इस बॉटल का है 100 rupees, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। बट ये प्राइस है चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ में आप सबको मालूम होगा यूटीज़ में, इंडिया में, यूनियन टेरिटरीज़ में अल्कोहल का प्राइस काफ़ी सस्ता होता है, तो इसी कारण इस पूरे बोतल का प्राइस केवल 100 rupees है, जो कि यू नो इस पैकेजिंग को देखते हुए मुझे एतराज़ नहीं होगा इतना सस्ता यू नो डील लेने का। बोतल के नीचे भी यहाँ लिखा हुआ है लंगूर, तो ब्रांडिंग तो इन्होंने अच्छे से कर रखा है, पर ब्रांड का नेम मुझे इतना पसंद नहीं आया। बॉटल कैप अगर आप देखें तो इसमें भी एक लंगूर बना हुआ है। एंड ये बियर ब्रू हुआ है अमारा ब्रूरीज में, जो कि पटियाला पंजाब में बिलोंग करता है, और ऑफ कोर्स ये एक इंडियन बियर है। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसको मैं यू नो रेगुलरली अवेलेबल टू बॉक्स स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग और एलिफेंट, कार्ल्सबर्ग एलिफेंट से ज़्यादा प्रेफर करूँगा या नहीं करूँगा, क्या इसका टेस्ट कुछ ख़ास है या नहीं, देखते हैं। बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, स्ट्रॉन्ग बियर का थोड़ा अरोमा आ रहा है पाइंट खोलते ही। चलिए इसको पोर करते हैं। काफ़ी शॉकिंग बात है, बिल्कुल हेड नहीं है इस बियर में, ये आर्टिफिशियली कार्बोनेटेड बियर है। इसका मतलब है कार्बोनेशन आप ग्लास में देख सकते हैं, गोल्डन कलर काफ़ी अच्छा और ब्राइट कलर है इस बियर का, टोटली सी थ्रू है।
बट हेड बिल्कुल नहीं था इस बियर में, तो बहुत पतली सी लेसिंग आप देख सकते हैं ग्लास में, बहुत ही पतली सी। जो प्रीमियम बियर्स होते हैं उनको बॉटल कंडीशन किया जाता है, जिसका मतलब है कि उन बियर्स का कार्बोनेशन बॉटलिंग के प्रोसेस में ही होता है। और ये आर्टिफिशियली कार्बोनेटेड बियर्स जो होते हैं, इसमें केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक्स की तरह, सोडा की तरह इन्फ्यूज़ किया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं इसी कारण बिल्कुल हेड नहीं आया। अरोमा की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बहुत ही लाइट मॉल्ट का अरोमा आ रहा है। बोलते हैं कि ये जर्मन मास्टर ब्रूअर्स की रेसिपी है इस बियर की, जो कि इसके वेबसाइट में मेंशन्ड है। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बोला जाता है कि फ्रांस से इंपोर्टेड हॉप्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बट दिखने में अभी तक फ़िलहाल मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा है ये बियर। अल्कोहल का भी बहुत स्लाइट अरोमा आ रहा है इस बियर में। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। काफ़ी स्मूथ बियर है, काफ़ी स्वीट टेस्ट है इस बियर का। मॉल्ट का डिसेंट टेस्ट है और काफ़ी लाइट है ये आपके टंग पे। और कार्बोनेशन दिखा तो ज़रूर, बट कार्बोनेशन पीते समय बिल्कुल फील नहीं हो रहा है इसका। ये बियर उतनी क्रिस्प नहीं है। बिटरनेस लेवल इस बियर का काफ़ी लो है। ये बाकी स्ट्रॉन्ग बियर्स जो अवेलेबल हैं इंडिया में, जो मेजर ब्रांड्स हैं, जो कमर्शियल ब्रांड्स हैं, जैसे किंगफिशर, एलिफेंट एंड टू बॉक्स स्ट्रॉन्ग, ये उनसे काफ़ी हटके हैं। ये बियर जो स्ट्रॉन्ग बियर नहीं पीते हैं उन लोगों के लिए भी ये बियर सूटेबल है। बट कार्बोनेशन की काफ़ी कमी है इस बियर में। मुझे ये बियर में ये कार्बोनेशन का ही एक मेजर शॉर्टकमिंग लगा। बिना हेड के अरोमा भी काफ़ी कम आता है बियर का, और अदरवाइज तो उसका टेस्ट ठीक ठाक है। मॉल्ट का भी फ्लेवर काफ़ी डिसेंट है। स्ट्रॉन्ग बियर होने के बावजूद भी काफ़ी चगबल बियर है ये। और गर्मियों को देखते हुए काफ़ी थर्स्ट क्वेंचिंग बियर लग रहा है। जो अल्कोहल कंटेंट है इस बियर का वो 5 to 8% है, जो कि काफ़ी लंबा रेंज है। ये प्रीमियम टू स्ट्रॉन्ग बियर के रेंज में आता है। तो लिखा तो नीचे है सुपर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर, बट अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये वाकई कितना स्ट्रॉन्ग है। इस पूरे को पीने के बाद ही पता चलेगा कि कुछ हिट आती है कि नहीं, बट पीते हुए अल्कोहल कंटेंट का उतना फील नहीं आया। एनीवेज इस बियर को मैं प्राइस पॉइंट से देखते हुए आई थिंक मासेस के लिए ये बियर काफ़ी ठीक ठाक है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छा था बियर का, टेस्ट भी ठीक ही ठाक था बियर का, बट कार्बोनेशन में काफ़ी कमी थी। ऐसा ना हो कि ये जो पर्टिकुलर मेरे पास बॉटल था इसमें कुछ कार्बोनेशन का प्रॉब्लम रहा हो, बिकॉज़ जो नए बियर कंपनीज आ रही हैं इनमें कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एनीवेज आज के रिव्यू के लिए इतना ही। आप ट्राई कर सकते हैं इस बियर को अगर आपको ये कहीं मिले, लंगूर बियर, और अपने फीडबैक दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।